रिवर स्केप सेट फील्डिंग सेट करते हुए। एड्रियाटिका की तरफ से यश को मौका मिला है पारी की शुरुआत करने का। गणेश सामना करेंगे पहली गेंद का, यश रहेंगे नॉन स्ट्राइक पे और पहला ओवर लेके आएंगे राहुल। स्कोरर रेडी, एम्पायर रेडी और इसी के साथ पहली बॉल। अच्छी बॉल, देर तक देखा गेंद को, एक रन चुरा लिया है। पहली बॉल पर स्ट्राइक चेंज, यश करेंगे दूसरी गेंद का सामना। और पहली गेंद को उठाकर खेला है और चेतन ने शानदार तरीके से लपक लिया है। दूसरी गेंद पर सफलता मिली है रिवर स्केप को, यश पहली ही गेंद पर बाहर आते हुए। यश क्रिकेट सागा का नाम उन्होंने रोशन नहीं किया है यहां पर। गंज भी काफी डिसअपॉइंटेड होंगे इनकी परफॉर्मेंस से। अगले बल्लेबाज दीपांकुर। अच्छी गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, लेट कट खेलना चाहते थे पर कनेक्ट नहीं कर पाए। अच्छी गेंद एक बार फिर राहुल से, ऑफ स्टंप पर ही दिशा रखी है उन्होंने। अभी तक चार गेंदों में अभी तक केवल दो रन आए हैं और एक विकेट खो दिया है। और स्ट्राइक पे आते हुए दीपांकुर, पहली बॉल और पहली बॉल को सीमा रेखा के बाहर, छह रन के लिए। शानदार शुरुआत दीपांकुर के लिए। एक समय में दीपांकुर रिवर डेल को ऐसी शुरुआत दिया करते थे, अब वो रिवर स्केप को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड में थोड़ा बदलाव, डिफेंसिव खेला है। लास्ट बॉल पर एक रन लेके स्ट्राइक अपने पास रखी है दीपांकुर ने। पहले ओवर की समाप्ति पर एक विकेट पर 9 रन। बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे रिवर स्केप पहले ओवर के स्कोर के बाद। अंकुर लेकर आएंगे दूसरा ओवर और सामना करेंगे दीपांकुर। कप्तान सिड लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करते हुए। व्हाइट बॉल का इशारा, डिसीजन में चेंज। ये पिछली बॉल को नो बॉल करार दिया है क्योंकि क्रीज के बाहर टप्पा खाई है और फ्री हिट मिलेगा इस बॉल पे। लो फुल टॉस स्लो थी और दीपांकुर भी फील्डर की तरह सोच रहे थे कि उन्होंने विकेट खो दिया है। फील्डर को नहीं पता था उनके पास रन आउट का बहुत अच्छा चांस है। बैट्समैन ये सोच के
रुक गए थे कि वो आउट हो चुके हैं। स्लोअर बॉल और दोनों हाथ के बीच में से गैप बनाते हुए बाउंड्री को पार करते हुए 6 रन। आसान मौका था, अंकुर काफी डिसअपॉइंटेड होंगे, पिछली 2 गेंदों पे लगातार 2 मौके चुके हैं। और एक बार फिर दिशा से भटके हैं, वाइट बॉल एम्पायर के द्वारा। स्लोअर बॉल, अच्छी फील्डिंग और मात्र 1 रन मिलेगा। अभी तक 3 ही गेंद हुई हैं इस ओवर में, 3 गेंदें बची हुई हैं और मैच बॉल लेते हुए अंकुर थोड़ा एनर्जी की कमी दिख रही है कप्तान सिद्ध की फील्डिंग में। और दीपांकुर ने वाइड की जगह 6 रन लेना प्रेफर किया। और आदि यहां ट्रिक बताते हुए कि सिड कैसे अपनी एनर्जी रिगेन कर लेते हैं। एक बार फिर दिशा से बढ़ के एक्स्ट्रा के काफी रन, एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करना होगा, ये रन भारी बढ़ सकते हैं। वाइट बॉल, सत्ताईस रन हो चुके हैं। एक बार फिर दिशा ऑफ स्टंप के बाहर ही रखी थी, पर इस बार वाइड लेंथ नहीं थी। अभी भी ओवर की 1 बॉल बची। स्लोअर बॉल और 1 ही रन के लिए खेला है, और यही प्रेडिक्शन था दीपक गुरकर के लिए आदि का कि वो आखिरी बॉल पे 1 रन लेना प्रेफर करते हैं। राहुल सिंह अपना दूसरा ओवर की शुरुआत करेंगे। दीपांकुर एक बार फिर स्ट्राइक पे, नए ओवर। दो ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन। अच्छी गेंद ये राहुल की, काफी बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। इंतजार किया था कि कट खेलने का चांस मिलेगा, बट सफलता नहीं मिली। फील्ड सेट करते हुए राहुल पीछे, बढ़िया बॉल, ब्लॉक हॉल और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। देखना पड़ेगा, लेग बाय का इशारा एम्पायर के द्वारा, थोड़ी मुश्किल है एक पैर पे खड़े होकर इशारा देने में। अच्छी गेंदबाजी करते हुए राहुल, और एक और सफलता हाथ लगी है राहुल को। इसी के साथ
इसी के साथ दूसरा विकेट खोया है। अगले बल्लेबाज शशि, 9 नंबर की जर्सी पहने हुए। अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी करी राहुल ने, रन्स नहीं दिए हैं, लाइन और लेंथ अच्छी रखी है। फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने का। एक ही रन। बढ़िया गेंद किसी भी बल्लेबाज के लिए, पहली बॉल थी शशि के लिए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना विकेट बचाया। बहुत अच्छी गेंदबाजी राहुल की यहां पर, बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी। बढ़िया गेंद एक और इसी के साथ एक कसे हुए ओवर की समाप्ति। दो ओवर में मात्र 10 रन दिए हैं राहुल ने और 2 विकेट दिलाए अपनी टीम को, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर हुआ है 30 रन 2 विकेट पर। अगली गेंदबाज अजीत, छोटा रन पहली बॉल पर, डबल डिसअपॉइंटमेंट अजीत के लिए। विकेट कीपर ने कैच भी छोड़ा और बाउंड्री भी। खुश नहीं होंगे रोहन इस प्रदर्शन से और इसी के साथ सिड भी दुखी होंगे। फुल टॉस बॉल और उठा के खेल दिया है 6 रनों के लिए। जीवनदान जो मिला उसका भरपूर फायदा उठाया दीपांकर ने। अगली बॉल को 6 रनों के लिए खेला है और इस ओवर की 2 गेंद पे 10 रन आ चुके हैं, हालांकि पहली बॉल पे जीवनदान था। स्लोअर ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद यहां पे अजीत की। थोड़ा सा शफल किया दीपांकु ने, जगह बनाई और लो फुल टॉस को खेल दिया 6 रनों के लिए। इस ओवर में 2 सिक्सेस और 1 बाउंड्री आ चुकी है, अच्छा ओवर साबित होता हुआ। एक और फुल टॉस पर टाइम बराबर से नहीं कर पाए, अंकुर ने कलेक्ट किया पर आराम से ओवर पहुंचे दीपांकुर, हाफ चांस था यहां पर। ऑफ स्टंप के बाहर चांस और अजीत ने आखिरी गेंद पर कैच लपक लिया। शशि कुछ खास नहीं कर पाए अपनी बल्लेबाजी में और अगले बल्लेबाज प्रदीप काफी प्रिकॉशन रखते हुए ग्राउंड पे, उन्होंने मास्क पहनकर ही एंट्री करी है और जो गिर चुका है।
एम्पायर बॉल्स कंफर्म कीजिए. एम्पायर्स प्लीज बॉल्स कंफर्म कीजिए. एक बॉल बची है स्कोरर के हिसाब से. कैन यू प्लीज चेक. स्कोरर के हिसाब से अभी 5 गेंद हुई हैं. एक बार क्रॉस चेक कीजिए. और कन्फ्यूजन दूर हुआ है. 4 ओवर खत्म हो चुके हैं. अगला ओवर लेके आएंगे रोहन. एम्पायर स्कोरर के सिग्नल का वेट कीजिए. और पहली बॉल पे 6 रन दीपांकुर. त्रेपन रन 3 विकेट के नुकसान पर. इस ओवर की 5 गेंदें अभी भी बची हैं. लो फुल टॉस ब्लॉक किया और पर फिर भी 4 रन मिलेंगे. मिस किया है कीपर और फाइन लेग दोनों फील्डर. सत्तावन रन के टीम स्कोर में अकेले दीपांकुर के ही 43 रन हैं. काफी अच्छी इनिंग दीपांकुर की यहां पर. और मिक्सअप हुए हैं यहां पर. दीपांकुर ने कोई कोशिश नहीं करी रन लेने की. और वो सेट बैट्समैन है. स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते होंगे शायद इसलिए ही एक रन लेने की कोई कोशिश नहीं करी उन्होंने. नतीजा दोनों ही बल्लेबाज एक ही छोर पर. शॉर्ट बॉल और इसी के साथ 6 रन. 49 पर पहुंचे हैं दीपांकुर. एक बॉल बची है पारी की और एक रन चाहिए दीपांकुर को अपने 50 रनों के लिए. पर वो शायद बाउंड्री पे वर्क करेंगे. डॉट बॉल और बाउंड्री की कोशिश में एक रन भी नहीं चुरा पाए दीपांकुर. डिसअपॉइंटेड होंगे. लास्ट 2 बॉल डॉट खेली उन्होंने और 49 रन पर नाबाद आए हैं.
टोटल स्कोर हुआ है 63, टारगेट है रिवर्स केप के लिए 64। चौसठ रन का टारगेट। बॉल तिरसठ रन स्कोर किए हैं, जीतने के लिए चाहिए 64 रन, 64 रन्स नीडेड। कप्तान सिड अपने स्वभाव के विपरीत बिल्कुल चुप है बैठे हैं, काफी सीरियस नजर आ रहे हैं आज। फील्डिंग टीम जल्दी अपनी फील्ड सेट करें। सिद्धार्थ और राहुल आए हैं पारी की शुरुआत करने। बॉलर्स नेम प्लीज। यश, यश बॉलर का नेम बताइए। केवल केवल लेके आएंगे। पहला ओवर सामना करेंगे राहुल। अच्छे बल्लेबाज हैं राहुल, इस मैदान पर उन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं पहले। दीपांकुर एक काफी जो पुरानी प्रथा है इंडिया गली क्रिकेट की कि बैटिंग के बाद आराम करना, वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, पर कप्तान ने उन्हें बुलाया है कि आपने बैटिंग पूरी करी है तो आपको फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। पहली बॉल अच्छा संपर्क नहीं हो पाया, केवल एक रन मिलेगा। अगला मैच है डियोना वर्सेस कैस्पियाना राइजर्स। दोनों कप्तान से निवेदन है कि वो टॉस के लिए आए। डियोना वर्सेस कैस्पियाना राइजर्स, शॉर्ट बॉल फायदा नहीं उठा पाए सिद्धार्थ। शॉर्ट बॉल थी, काफी स्लो बॉल थी, वाइड से बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। पर रिकवरी उन्होंने अगली ही बॉल पर कर ली, 6 रन। डियोना और कैस्पियाना राइजर्स कप्तान।
शॉर्ट बॉल, थोड़ा लेट स्टार्ट हुए से बॉल को देख रहे थे कि बाउंड्री पार हुई है या नहीं है। हर बॉल के बाद बॉलर से डिस्कशन हो रहा है, फील्डर्स का या कप्तान का। और ये बोल्ड कर दिया है, स्लोअर वन, ब्लॉक हॉल में समझ नहीं पाए थे गेंद को, डिफेंस करें अटैक करें और बोल्ड हुए हैं। बढ़िया विकेट झटका है यहां पर केवल ने। और इसी बीच डियोना और कैस्पियना राइजर के बीच टॉस होते हुए टू टू गो। कैस्पियना ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी चुनी है उन्होंने। अंकुर अगले बल्लेबाज फिर एक स्लोअर गेंद थी और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। पटकी हुई गेंद, ये काफी शॉर्ट बॉल थी और स्लोअर, बल्लेबाज को पूरा समय था जहां मर्जी खेले उस गेंद को। और चार रन, चौदह रन हो चुके हैं अभी तक। एक और शॉर्ट बॉल और पूरा फायदा उठाया, चार रन। अंकुर 18 रन पहले ओवर की समाप्ति पर, एक विकेट के नुकसान पर। सागर एकेडमी से यश, इनकी परफॉर्मेंस पर सबकी निगाहें रहेंगी, इंक्लूडिंग हिज कोच गंस। गंस शायद यूट्यूब पर लाइव देख रहे होंगे परफॉर्मेंस। फील्ड में भारी बदलाव करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक और फील्डर लगाया है, एक मिड विकेट पे है। फाइन लेग लॉन्ग ऑन, सिट कहीं और खेलना चाह रहे थे गेंद को। काफी देर बाद उन्हें समझ में आया कि जहां वो चाहते थे गेंद वहां नहीं गई है, पर एक रन मिलेगा। अंकुर सामना करेंगे अगली गेंद का। और इसी के साथ दिशा दी है अंकुर ने एक रन के लिए। यहाँ काफी इंटरेस्टिंग फील्ड इन्होंने सेट करी है यश ने, सारे फील्डर्स इन्होंने लेग साइड पर लगाए हैं। और इनकी जो गेंदबाजी की दिशा है, अभी तक दोनों बॉल उन्होंने ऑफ स्टंप पे ही रखी हैं। तीसरी गेंद भी ऑफ स्टंप पर, स्लोअर वन, फुलर लेंथ। अभी तक की बल्लेबाजी से ऐसा लग रहा है कि स्लोअर बॉल्स से प्रॉब्लम में है रिवर स्केप के बल्लेबाज, समझ नहीं पा रहे हैं स्लोअर गेंद को। और इस बार दिशा से भटके
व्हाइट बॉल एम्पायर अमित के द्वारा। टॉस बॉल और जोन में थी ये सिद्धार्थ के, कोई चूक नहीं करी, 6 रन। फुल टॉस बॉल एक बार फिर, पर दीपांकुर ने किसी तरह से बाउंड्री बचा ली है अपनी टीम के लिए। 3 रन सेव किए, 1 रन मिलेगा सिद्धार्थ को। अंकुर सामना करेंगे अगली गेंद का। अच्छी अच्छी गेंद थी यहां पर और विकेट भी खोया है। एज लगा था और गेंदबाज की अपील को एम्पायर का अप्रूवल, विकेट खोया है रिवर स्केप ने, इसी के साथ अपना दूसरा विकेट। स्कोर हुआ है 28 रन के स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर खत्म हुए हैं, 3 ओवर बचे हैं इनिंग के और रिवर स्केप को जीत के लिए 36 रन की जरूरत है। गणेश अगला ओवर लेकर आएंगे। रनअप में कुछ परेशानी, स्लोअर बॉल और फायदा उठाया स्लोअर बॉल का, समय मिला पूरा और 6 रन सिद्धार्थ के खाते में। छह रन का इजाफा टीम के स्कोर में, स्कोर हुआ है 34 रन। तीसरे ओवर की पहली बॉल हुई है अभी तक। स्ट्रेट बॉल थी, गलत चुनाव था यह शॉट का, अगर बॉल बाल बाल बचे हैं अपना विकेट खोने से जरा सा दूर थे। एक और स्ट्रेट बॉल जिसको केवल लपेटने की कोशिश करी, यहां शायद कॉलेप्स होने का चांसेस और वही हुआ है। कॉलिंग नहीं थी फील्डर्स के बीच में कि कौन कैच पकड़ने वाला है और विकेट लेने का अच्छा मौका गवाया, इसी के साथ 1 रन और भी दिया है। नवीन पहली बॉल पर काफी कंफ्यूजन था दोनों बल्लेबाज में, सिद्धार्थ एक रन लेना चाहते थे और नवीन कुछ क्लियर नहीं थे कि उन्हें रन लेना है। स्लोर बॉल फुल टॉस सिद्धार्थ के जोन में और 6 रन।
score 1 wicket पर सीधी थी बॉल और एक ही रन मिलेगा। इसी बीच कैस्पियाना टीम से निवेदन है कि स्टैंड्स में आकर बैठे। स्कोर हुआ है टोटल 43 रन्स, 12 बॉल में 21 रन चाहिए हैं जीत के लिए। कैस्पियाना टीम स्टैंड पर आके बैठी है। नवीन अभी तक दो गेंदों को सामना किया है नवीन ने और कॉन्फिडेंट नहीं रहे हैं रनिंग में, तालमेल की कमी दोनों बल्लेबाजों में। कुछ अलग करने की कोशिश थी, रिवर्स तीसरी गेंद पर आखिरकार एक बाउंड्री चुराने में सफल हुए हैं नवीन। तीन गेंदों पर 5 रन निकल चुके हैं। अभी भी 16 रनों की दरकार रिवर स्केप को जीत के लिए। व्हाइट बॉल का इशारा, दिशा से भटके यश यहां पर। अच्छी गेंद थी ये, यहां दर्शकों की हुटिंग से यश में उत्साह आते हुए एक अच्छी गेंद फेंकी उन्होंने। केवल एक ही रन दिया इस बॉल पर। ये चौथा ओवर चालू है, इसके बाद एक ओवर और है। एक रन मिलेगा यहां पे सिद्धार्थ को। 7 बॉल पर 13 रन की दरकार, एक दो बड़ी बाउंड्रीज चाहिए यहां पर। 7 बॉल 13 रन, और जिसका उठाकर खेलने की कोशिश करी है फील्डर गणेश ने, कोई गलती नहीं करी और इसी के साथ एक और विकेट खोया। यश अपनी आखिरी बॉल पर विकेट लेते हुए, स्ट्राइक भी चेंज हुई है। आखिरी छह बॉल पर 13 रन की आवश्यकता। नया बल्लेबाज क्रीज पर रोहन, और दीपांकुर जिनके लिए अभी तक का मैच काफी अच्छा रहा है, अपने अर्धशतक से जस्ट 1 रन से चुके हैं दीपांकुर। 6 बॉल पर 13 रन की दरकार।
शॉर्ट बॉल, कुछ फायदा नहीं उठा पाए ऐसा लग रहा है रोहन, थोड़ा सा झिझके, फील्डर भी अच्छा चांस था। कैचेस विन मैचेस, पांच बॉल पे 12 रन की दरकार, दो बड़े शॉट चाहिए। सिद्धार्थ और ये एक्सोटिका सिक्स, पूरा पूरा फायदा उठाया सारा जोर लगाकर, 6 रन सिद्धार्थ के खाते में। सिद्धार्थ भागकर एक रन चुराते हुए, इसी के साथ इस ओवर में अब तक 8 रन आ चुके हैं, 5 रन की दरकार है 3 गेंदों में, और स्ट्राइक पर है रोहन। यहां बहुत ज्यादा अपील, अंपायर को दबाव में लाने की कोशिश थी पांगुर की, और दोनों एम्पायर आपस में विचार विमर्श करते हुए, बहुत जबरदस्त अपील, अच्छी फील्डिंग थी यहां पर यश की, बढ़िया कलेक्ट करके सटीक थ्रो, कलेक्शन अच्छा था, और इन सबसे ज्यादा अपील। दिलो जान से की गई अपील को एम्पायर ने खारिज कर दिया है। दो बॉल 4 रन, ज्यादा मुश्किल टारगेट नहीं था, पर रिवर स्किप ने मैच को रोमांचक बना दिया है। आर सिड के जोन में आते ही बॉल को उन्होंने मिस नहीं किया, 6 रन मारकर अपनी टीम को जीत दिलाई है, और ये बॉल नो बॉल भी थी, फ्रीड का इशारा एम्पायर का, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ